सत श्री अकाल सारिआं नूं, तुहाडा एक बार फिर तो मेरे चैनल यानी कि रियल रमन ते स्वागत है। तो अज जिहड़ी आपां वीडियो शेयर कर रहे हैं वह हैगी डबल लाइनिंग वाली सलवार की, यानी कि मतलब डबल स्टिच सलवार हो जाती है जिहड़ी, उहदी आपां स्टिचिंग ते कटिंग की वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह मेरे को जिहड़ा हैगा फैब्रिक हैगा इहदे ते ना सिर्फ पौंचे ते वर्क किया हुआ वा, यानी कि जो फ्रंट ते आ जांदा वा पौंचा उहदे ते इह वर्क किया हुआ वा। आपां पहला ये 3 मीटर कपड़ा हैगा सलवार का पूरा, तो आप देख लेंगे कि यह वर्क कितना का आ रहा वा, तो आपां कितने कुंदे कट्टने पैणगे, मतलब वो जिहड़ा साइड तो कपड़ा कुंदिया च आपां कटदे आ वो कितना कट्टना पऊगा। तो ये 12 इंच का वर्क सीगा, यानी कि 6 इंच हाफ करांगे तो 6 इंच आऊगा, तो जिहड़ा अपना पौंचा हैगा वो 7 इंच रखिया सीगा, तो आपां थोड़ा जिहा मतलब कपड़ा जिहड़ा एक्सट्रा कट्टना पऊगा। तो इत्थे मैं जिहड़ा कपड़ा इहनू फोल्ड करके भी देख रही सी कि फोल्ड करके भी कट किन्ना कपड़ा जिहड़ी कढ़ाई आ रही है, तो तुसीं इस तरह फोल्ड करके भी कट कर सकते हो, नहीं तो इहनू सीधे भी एवें जो इहदे नाल नाल दी, पर जे आपां फोल्ड करके कट्टांगे तो उस तरह आपां निशान जिहड़े हैगे बैटर लगा सकते हैं। सब तो पहला कढ़ाई जिहड़ी हैगी है जरूर मैच कर लैनी आ आपस दे विच, नहीं तो जिहड़ी हैगी अपनी उपर नीचे कढ़ाई आऊगी। तो हुण आपां जिहड़ा हैगा उपर वो 4 इंच की बैल्ट पावांगे, बैल्ट रख के 39 अपनी लेंथ हैगी है, तो 1 इंच आपां एक्सट्रा रखांगे। तो इस तरह 1 इंच यानी कि मार्जिन आपां रखिया वा, तो इस तरह जिहड़ा निशान लगा लेंगे। तो फिर उस तो बाद आपां इहदी जिहड़े पट जिहड़े हैगे ने फ्रंट दे जो आंदे ने पट कह दिंदे ने पंजाबी च, तो वह आपां कटिंग कर लेंगे। तो हुण इहनूं करांगे आपां फोल्ड, तो आपां जिन्ने क चाहिए है आपां उस हिसाब ना निशान लगा लेंगे। नॉर्मली आपां 14 या 15 इंच के कटते हैं, वो तो बस 16 इंच के भी पट जिहड़े हैगे आपां कढ के सलवार च पाने हैं। तो इत्थे जिहड़ा हैगा कढ़ाई के अकॉर्डिंग जिहड़े हैगे मैं निशान लगा लिया वा, ठीक है जी। कढ़ाई तो थोड़ा जिहा 1 इंच एक्सट्रा लिता वा मैं, ताकि मार्जन के विच चला जाऊगा उ। तो हुण आपां बाकी उपर भी सेम उन्ना की निशान लगा लेंगे जिन्ना का आपां नीचे निशान लगाया वा, जिस जिन्ने मतलब पॉइंट ते निशान लगाया उन्ने पॉइंट ते आपां सारा उपर तक निशान लगा लेंगे। तो उस तो बाद इहदी प्रॉपर जिस जिस निशान जो जो निशान लगाया आपां उत्थे उत्थे आपां कटिंग कर देनी आ। तो जिहड़ी आपां अज सलवार स्टिच कर रहे हैं वह गुम सिलाइयां दे नाल स्टिच करांगे। तो इतों जो मैं एक्सट्रा कपड़ा सीगा वो आपां कट दिता वा, मार्जिन रख के उस तो बाद कपड़ा जिहड़ा कट दिता वा। इत्थे आपां बैल्ट का कपड़ा कट लेंगे, जिन्नी तुहाडी बैल्ट रेडी हैगी है उस तो 1 इंच एक्सट्रा कट के, ताकि सिलाइयां दे विच अद्धा अद्धा इंच चला जाऊगा दोनों साइड ते, आपां बैल्ट की कटिंग भी कर लेंगे। तो हुण बचिया जिहड़ा फैब्रिक हैगा ये कम से कम 2 या 2 तो थोड़ा जिहा ज़्यादा सीगा, तो इहनू आपां डबल फोल्ड कर लेंगे। कई बार आपां नॉर्मली जिवें 2.5 इंच की सलवार हैगी आ आपां उपरों जिवें उपरों ही आपस दे विच फोल्ड कर दिंदे आ, इहनू जस्ट लेंथवाइज आपां फोल्ड कीता वा। तो हुण इत्थे मैं चैक कर रही सी कि लेंथ अपनी पूरी निकलूगी, ताकि अपनी हैवी सलवार बन जाए। तो अपनी जिहड़ी 2 तो थोड़ा जिहा ज़्यादा सीगा कपड़ा, नॉर्मली आपां नूं 39 लेंथ हैगी है जिवें कि सलवार दी, उहदे विचों 4 इंच बैल्ट कट्टी तो 35 इंच बचिया, तो 1 मीटर दे विच 39 हुंदा वा, यानी कि 39 दा 1 मीटर बनता वा। तो अपने को जिहड़ी सलवार वह एवें पूरी प्रॉपर कट्टी जा सकती सी, ताकि अपने को हैवी सलवार पटियाला सलवार बन जाए। तो हुण इत्थे 4 इंच की बैल्ट उपरों कढ़ के ते इत्थे मैं लगा रही हूँ 39 ते निशान, यानी कि यह टोटल जिहड़ी उपरों तो निशान तक लेंथ बनती है 35 इंच बनती है। तो इत्थे 1 इंच का निशान मैं लगाया वा जिहड़े अपने नीचे फोल्ड पौंचे हो गए ने उन्हां वास्ते। हुण दूसरी साइड ते जिहड़ा हैगा आपां सेम निशान लगाना वा, लेकिन बैल्ट आपां इस बार उल्टी साइड ते कढ़ांगे, जिवें पहला मैं उस साइड ते बैल्ट कढ़ी सी, हुण आपां इस साइड ते 4 इंच उपर एक्सट्रा कढ़ दांगे ते नीचे जिहड़ा हैगा निशान लगा लांगे। तो हुण इत्थे भी उही 1 इंच का पहला निशान लगना वा। हुण तुसीं इत्थे देख सकते हो कि आसन वास्ते आपणे कोल बिल्कुल भी कपड़ा जिहड़ा नहीं बचिया, उपर आसन जिहड़ा हैगा आपां 2-3 इंच का आसन तो पावांगे नहीं, आपां नूं आसन कम से कम 10 या 11 इंच का आसन चाहिए वा। तो हुण ये वाले जिहड़े निशान ने आपां एक दूजे का मिला देंगे, तिरछे जिहड़े निशान मिलणगे आपस दे विच इह। तो इस तरह मेजरमेंट टेप दे नाल जिहड़ा हैगा आपां निशान लगा लेंगे पहला।
तो हुण इत्थों ही आपां जिवें जिवें निशान लगाया वा 1 इंच दा एवें छड के एवें करके मतलब आपां जिहड़ी हैगी कटिंग कर देनी है सलवार दी प्रॉपर तरीके नाल जिथे जिथे आपां निशान लगाया वा, क्योंकि तुसीं देख सकते हो कि अपने कोल अर्ज बहुत ज़्यादा होया होया है तो इस नाल पूरी भारी सलवार जिहड़ी बनेगी अपनी। हुण की करना वा कि आपां आसन कढ़ना वा इहदे विच्चों, तो इन्हां नूं आपां की करना कि इस तरह एक दूजे के उपर फोल्ड कर देना वा एवें रख के, तो इन्हां नूं चंगी तरह जिहड़ा इस तरह बिछा लेना वा एक जगह पर, तो प्रॉपर जिहड़ा हैगा इक्वल होने चाहिए ने फैब्रिक। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि आसन दा अपने कोल है नहीं इस टाइम पर, आसन दा अपने कोई भी मतलब निशान नहीं हैगा, आसन दा कोई मेजरमेंट नहीं हैगा अपने कोल कि आपां जिहड़ा आसन दा इधरों साइड तो कढ़िया वा। तो इसलिए सब तो पहला जिहड़ा हैगा इस तरह फैब्रिक नूं चारों जिहड़े अपने कुंदे ने पंजाबी दे विच कुंदे कह दिंदे ने, इन्हां कुंदियां नूं आपस दे विच इकट्ठा रख लैणा वा। वीडियो पूरी देखियो क्योंकि वीडियो दे विच गुम सिलाइयां भी आपां दसांगे। तो हुण तुसीं देख सकते हो कि पटियाला सलवार दे विचों आसन जिहड़ा अपने कोल नहीं सीगा आपां किवें कढ़ना आसन, तो वीडियो स्किप ना करियो प्लीज़, वीडियो नूं पूरी देखियो। तो इत्थे आपां जिन्ना आपां नूं आसन चाहिए वा उन्ना आपां आसन लगा लांगे तो इत्थे कटिंग कर देंगे। इस तरह जिहड़ा अपने कोल फैब्रिक भी आपां घट खराब करांगे, इस तरह जिहड़ा फैब्रिक सिर्फ अपना देखो उही साइड ते निकलिया वा उन्ना की हिस्सा, तो इस तरह जिहड़ा आपां उपरों भी कटिंग कर देंगे। तो हुण कटनी है आपां लाइनिंग, लाइनिंग दे लिए मैं जिहड़ा 3 मीटर ही लाइनिंग लीती सी, मतलब 3.5 मीटर लीती सी, धोण वॉश करन तो बाद जिहड़ी हैगी श्रिंक कर जाती है लाइनिंग, इसलिए थोड़ी जी हमेशा ज़्यादा ही लो लाइनिंग। तो उपरों मैं जिहड़ा हैगा 1 मीटर चो लाइनिंग जिहड़ी कपड़ा कढ लिता सीगा। तो इत्थे जिहड़े हैगे ने मैं फ्रंट दे जिहड़े अपने पट हुंदे ने उहनां नूं रख लिता वा लाइनिंग दे उपर, जिन्ना अपना कपड़ा हैगा ए वाला तो आपां उन्ना ही कपड़ा लाइनिंग दा कट लैणा वा। तो हुण इहनूं साइड ते रख देंगे, बची हुई लाइनिंग नूं आपां फोल्ड कर लिता वा जिवें पहला आपां कपड़ा फोल्ड किया सीगा। तो हुण जिहड़े आपां इहदे विच कलियां कट्टियां सीगियां सलवार दियां उह आपां लाइनिंग दे उपर रख के सेम तरीके नाल बस कटिंग कर लैणी आ। कई बार लाइनिंग जिवें चंगी तरह मतलब सीधी कर लियो, क्योंकि कई बार लाइनिंग फोल्ड हुई हुंदी आ नीचे उहदी फिर वध घट हो जाती आ, पहला लाइनिंग चंगी तरह बिछा लेनी है उसके उपर कपड़ा रखना वा फिर उन्हें उस तरीके ना कटिंग कर देनी है। तो हुण करांगे आपां इहदी स्टिचिंग, इसे तरह आपां दूसरा पल्ला भी कट लेना सीगा। तो हुण करदे आपां स्टिचिंग, इहदे लिए मैं यह फैब्रिक लिता वा जो फ्रंट आते अपने पैंदे ने, इहदे उपर यह लाइनिंग रख दित्ती आ। आपां गुम सिलाइयां करनियां ने, लाइनिंग दे उपर लाइनिंग आनी चाहिए है, तो जो कपड़ा अपना उहदे उपर कपड़ा आना चाहिए, मतलब कपड़े ना कपड़ा मैच करना चाहिए तो लाइनिंग ना लाइनिंग मैच करनी चाहिए है। ठीक है जी, इस तरह मैं जिहड़ा फैब्रिक आ उहदे उपर फैब्रिक रख लिया, फिर लाइनिंग नूं लाइनिंग वाली साइड पर रखना, इस तरह आपां फिर स्टिच कर देनी आ। तुसीं देख सकते हो स्टिच कर किया है, ये अपना जिहड़ा हैगा गुम हो गई है सिलाइयां, ये फैब्रिक नूं बाहर वाली साइड ते कर दिता वा, और जी अपनी हो गई जिहड़ियां ये गुम सिलाइयां हो गई ने। इत्थे ये मेरा स्टैंड आ, स्टैंड एक्चुअली धुप बहुत ज़्यादा सी तो उत्थे मैं वीडियो बना रही सी, धुप जिहड़ी अंदर आ रही सी उहदे करके स्टैंड दियां जिहड़ियां हैगियां ने लत्तां दिख रहियां ने। ये मैंने बाद विच जो मैं एडिटिंग करन लगी उदो मैंने नज़र आए कि भी नज़र आईया कि ये जड़ियाँ है स्टैंड पूरा नज़र आ रहा वा जिते मैं फोन रख के वीडियो बनानी हाँ, तो फिर आना ही सीगा वो बाद विच देखिया एडिटिंग करन दे टाइम, बट हुण कुछ नहीं हो सकता सीगा। तो लो जी एक बार मैं तुहानू होर दस दिंदी हाँ कि किवें फैब्रिक रखना वा। ये आपां रख लिता फैब्रिक नूं उल्टा, वो उपर लाइनिंग रख दिती है जिवें नॉर्मल लाइनिंग रखते हैं। हुण लाइनिंग वाला जिहड़ी मैं कली अपनी लाइनिंग ते रखांगे, ते जिहड़ा फैब्रिक आ उह फैब्रिक ते रखांगे, मतलब नीचे दी तरफ फैब्रिक आ ये फैब्रिक आपां फैब्रिक ते रख दिता वा। ते देखो फैब्रिक दे नाल फैब्रिक आ ते नीचे दोनों लाइनिंगां ने, ये कली दी होगी एक पट दी होगी लाइनिंग। ते हुण इहनूं इसे तरह ही स्टिच कर देंगे। ते ये लो जी ये भी अपनी जिहड़ी होगी है सिलाई गुम, इसे तरह जिहड़े हैगे आपां
चारों पल्ले आपां एवें स्टिच कर लेने आ, गुम कर लेने आ, क्योंकि पर्दे नाल दूसरी कली अटैच होगी, आपां दूसरी कली उहदे नाल अटैच कर देनी आ। हुण आपां आसन जोड़ांगे, तो इत्थे सब तो पहला जिहड़े हैगे आसन नूं आपां नॉर्मल रख लिता इस तरह। हुण जिहड़ी दूजी कली दा आसन हैगा वो आपां इहदे उपर रख देंगे। नॉर्मली आपां की करना सी, इस तरह स्टिच कर देना सीगा। तो आप जी सिलाई नॉर्मल लगाने वो किमें लगाने, इस तरह लगा दें कि नॉर्मल सिलाई, तो वह बार वाला जोड़ा है आप ओवरलाक करते हैं। तो अगर तुम ओवरलाक नहीं करनी हैगी लाइनिंग वाली सलवार इस तरह कर सकते हो, जिस तरह मैं फैब्रिक उपरों लाइनिंग वाला चक के नीचे फोल्ड कर दिता वा, नीचे वाली लाइनिंग का मतलब फोल्ड कर दिता, जिमें लाइनिंग तो लाइनिंग तो कपड़े तो कपड़ा रह गया। एक बार मैं तुम्हें दोबारा दिखा दिनी हाँ कि किस तरह किया। ये जिमें उपरों मैं एक गली होगी, ये दूजी गली होगी, ये उपरों लाइनिंग चक्की कपड़े ना कपड़ा रह गया, ये लाइनिंग जिहड़ी हैगी इस तरह उल्टा दिता, ये इस तरह जिहड़ा लाइनिंग ना अटैच कर दिता। तो हुण इत्थे आपां लावांगे सिलाई, ते लो जी सिलाई लग चुकी है। उस तो बाद तुहानूं खोल के दिखा दिंदे आ कि ये भी जिहड़ी सिलाई है गुम हो गई है। लो जी आसन की सिलाई भी जिहड़ी गुम हो गई है। इस तरह जिन्नियां आपणियां सलवार दे विच हैगियां ने सारियां आपां जिहड़ियां सिलाइयां गुम कर सकते हैं। तो तुहानूं पर दिखा दिंदे कि सारियां जिहड़ियां आपणियां सिलाइयां ने वो गुम हुई ने। देखो ये भी सिलाई गुम है, अते कितनी सफाई लग रही है गुम दे नाल, ते ये भी सिलाई गुम आ आसन की भी, तो उस तो बाद ये भी सिलाई गुम है। ये नाल वाले जिहड़े हैगे ने वह भी गुम ही होणगे, इस तरह ही जिवें ये किते ने गुम उस तरह सेम गुम हो जाएंगे। तो हुण इत्थे आपां बल पाने सीगे, अपना जिहड़ा अर्ज सीगा वह काफ़ी वड्डा सीगा, तो आपां सिर्फ पहला आपां लाइनिंग ते कपड़े नूं अटैच कर लांगे मोटी सिलाई दे नाल एक बार, जां जिहनूं कच्ची सिलाई कह दिंदे आ। इस तरह जिहड़ी हैगी आपां सारा, क्योंकि अर्ज काफ़ी सीगा, बल पाण दे टाइम थोड़ा जिहा प्रॉब्लम आ सकती है। तो इतने आप बैक दे बल पा ले सीगे दो, तो हुण आपां पावांगे फ्रंट ते बल। तो इस तरह जिहड़े अर्ज हैगा काफ़ी ज़्यादा वा, तो आपां नूं वड्डे वड्डे बल पाने पैने आ। तो अगे जाके थोड़ा जिहा इत्थे प्लीट जिहड़े हैगे ने ब्रीक रखांगे। तुसीं देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा मैं कपड़ा विच लै रही हाँ प्लीट्स ते। तो इस तरह आपां जिन्ने निशान लगाया वा उन्ने ते आपां बल पा देने आ। तो हुण बनावांगे आपां पौंचे, तो इहदे लिए जिहड़ी हैगी आ इहदे विच इक सीगा कि इहदी जिहड़ी इह सलवार दी सिद्धी वाली लाइन आ तिल्ले वाली लाइन, एक तो टेढ़ी सीगी तो एक तो सीधी सीगी, तो इसलिए मैं जिहड़ी सलवार दी इह टिल्ले वाली लाइन आ उह विच ही लै लांगी, सिलाई दे विच ही मतलब बाहर नहीं दिखावांगी, क्योंकि जिहड़ी दूसरी सीगी उह टेढ़ी मेढ़ी करके फिर सारी पौंचे दी शेप खराब हो जाणी सीगी। इस तरह सब तो पहला एक मैं पट्टी तैयार कर ली सी जिहदे विच बुकरम लगा ली सीगी, तो एक साइड तो फोल्ड करन तो बाद दूसरी अटैच कर दिता सीगा सलवार दे नाल, इत्थों आपां फोल्ड कर दांगे। एक सिलाई जिहड़ी हैगी आपां इत्थे लगावांगे, तो दूजी सिलाई जिहड़ी हैगी आपां उपर लगावांगे। नॉर्मली अपने कोल सिलाइयां नाल जिहड़ी हैगी आपां पौंचे बनाए जांदे ने, पर इत्थे कढ़ाई सीगी तो आपां उपर ही सिलाई लगा ली सीगी। तो दूसरा जदों आपां पौंचे बनावांगे एंड ते मतलब फिनिश करांगे, ये दोनों आपस दीयां सिलाइयां जिहड़ियां सेंटर दीयां इह मिलनियां चाहीदियां ने, क्योंकि इहदे नाल जिहड़ी अपनी सेंटर दी सलवार दी क्रीज आ उह बणी रहिंदी आ। तो इस तरह जिहड़ा हैगा आपां पौंचे ते निशान लगा लांगे, 7 इंच दा लगा लिया वा, थोड़ा जिहा टेढ़ा रखांगे। तो इस तरह निशान लगा के आपां पूरी जिहड़ी हैगी आ सलवार दी बंद कर दांगे सिलाई। तुसीं देख सकते हो कि सलवार बहुत ही ज़्यादा भारी बनी आ, तो बहुत ही प्लीट पए ने अगे पिछे। ये सी अपनी अज की वीडियो, किमें लगी जरूर दस्सियो, वीडियो चंगी लगी चैनल में सबसक्राइब जरूर कर लियो, वीडियो में लाइक जरूर करियो, शेयर जरूर करियो।